अरे अब देना होगा नया ऑर्डर। काली मिर्च की मौसेरी बहन इलायची और ये जो भी है लकड़ी नुमा, ये देखिए यहाँ पे चोरी चल रही है। हम भी है हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग ब्लॉग विद सरवर खान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप सभी ने देखा था कि कबाब की पार्टी हो रही थी और आप लोगों से वादा किया था कि अगले संडे जो है बिरयानी की पार्टी होगी, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गाइस देख सकते हैं आप, बच्चे लगे हुए हैं सारे काम करने में, कोई प्याज छील रहा है, कोई आलू छील रहा है, कोई गाजर छील रहा है, एक जनाब जो है वो आराम फरमा रहे हैं मिस्टर आयान। कुछ दिन पहले इसका पैर टूट गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हो गया है। तो गाइस अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है गाइस, पूरा वीडियो को देखेंगे। और इस बिरयानी को बनाने वाला आपका भाई खुद है जो बिरयानी को बनाएगा, और इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल करके, अभी तो शुरुआत हुई है। तो चलिए गाइस बनाते हैं आज की बिरयानी और करते हैं फुल पार्टी ऑल नाइट। आयान पार्टी ऑल नाइट, बीड़ू पार्टी ऑल नाइट। तो चलिए गाइस, ये तो काम होती रहेगी और मैं अपना काम करता हूँ। तो गाइस आपको दिखाता हूँ, इस साइड में भी बच्चे लगे हुए हैं बर्तन साफ कर रहे हैं, देख सकते हैं ये पानी भरी जा रही है बर्तनों में, और ये सारे बर्तन जो है बच्चे धोने में लगे हुए हैं, साफ करने में लगे हुए हैं। चलिए इन लोगों को साफ करने देता हूँ और मैं चलता हूँ उधर, जो बिरयानी का मसाला है उसे तैयार करता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ। तो इधर पानी भर करके इधर कर देना बेटा, है ना, इस साइड में रख देना, सामने के साइड में, है ना, सभी बर्तन में पानी भर देना। तो चलिए गाइस जिन लोगों को करने देता हूँ और मैं चलता हूँ इधर, बिरयानी का मसाला जो है वो तैयार कर देता हूँ, मीट को जो है मैरिनेट करने के लिए लगाना है क्योंकि मटन बिरयानी बनाई जा रही है। तो गाइस मटन और सारे मसाले आ चुके हैं, अब जो है इसे मैरिनेट के लिए जो है इसमें सारे मसाले को मिला देता हूँ मटन में। तो चलिए गाइस इसे मैं आपको बताते हुए जाता हूँ क्या क्या इसमें सामग्री लग रही है और मैं आपको दिखाते जाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हमने 4 kg मटन ले लिया है, अब उसमें डालेंगे हम धनिया पत्ता और मिर्चा का हरा मिर्चा का पेस्ट, ये हमने इसे यहाँ पे डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अब हम इसमें डालेंगे दही दो बेटे वहाँ से एक दो, जल्दी जल्दी लाओ, ये आ गया दही, अब इसमें मिलाते हैं दही। नमक लाए बेटा, आन गया, आन गया है। है?
अरे थोड़ा सा ना जीरा। अब हम इसमें डालेंगे गाइस लाल सुर्ख मिर्च, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मीट मसाला। सब भूखा हुआ डाल रहा हूँ गाइस। ये हमने डाल दिया पूरा मीट मसाला। ये डाल रहा हूँ पिसा हुआ गोलकी काली मिर्च। ये डाल रहा हूँ गाइस चिकन, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बिरयानी मसाला। और ये डाल रहा हूँ गाइस धनिया पत्ती, धनिया सॉरी धनिया बोल रहा हूँ, जीरा धनिया बोल रहा हूँ मैं, सॉरी आई एम सॉरी गाइस। अब सभी को जो है मिक्स कर देता हूँ। थोड़ा सा मैंने बचा दिया है लाल मिर्च, क्योंकि तीखा बहुत हो जाएगा, उसमें हरा मिर्च भी डाला हुआ है, इसलिए थोड़ा मैंने बचा दिया है। अब इसमें डालना है नमक गैस। अब इसमें डाल रहा हूँ गैस गरम मसाला, जिसमें आपका काली मिर्च है, उसके बाद आपका ये है आपका इलायची, इलायची काली मिर्च की मौसेरी बहन इलायची, और ये जो भी है लकड़ी नुमा वो भी डाल दिया, वो दालचीनी से बोलते हैं, इसे मजाक कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया गरम मसाला, और उसका चचेरा भाई भी है, आपको दिखाता हूँ उसे, जीरा भी है। ये आप चेक करें, ये है लौंग, इसका एक पैकेट और डालता हूँ गाइस, ताकि गरम गरम मसाला डाल करके लोग गरम हो जाए। और एक पैकेट मैंने ये देखिए आप बचा करके रखा हूँ, आगे चल करके आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या यूज है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ रहे तो मत समझिए यार मुझे क्या, हम लोग को तो पार्टी करना है, हम मज़े करना है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अब जो है इसमें बच गया है नमक। अब इन सब का जो मौसी है नमक, उसको मैं डालूँगा। इंतजार हो रहा है गाइस लाने के लिए, गया हुआ है नमक, बुला गया था मैंने नमक लाना, तो नमक गया लाने, लाता है तो फिर मैं डाल करके वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। चलो तब तक आप इंतज़ार करें, नमक इसका जो सारे मसालों का सरदार, सदर मोहतरम, अध्यक्ष महोदय जिसे कहते हैं नमक, स्वाद जो का हर खाने में स्वाद लाती है वो है नमक। और नमक अभी बच्चे लाने गए हैं, नमक लेकर के आते हैं बच्चे, तो फिर मैं नमक डाल करके वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तब तक थोड़ा सा वेट करें आप। तो गाइस थोड़ा सा जो है जीरा और गोलकी कम पड़ गई थी, तो उसे एक्स्ट्रा और मैं डाल रहा हूँ। ये सभी जो है सामग्री क्वांटिटी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपने स्वाद के अनुसार ये डालें। किसी को गरम मसाला ज़्यादा पसंद होता है तो वो ज़्यादा खाते हैं, इसलिए जो है मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, आप लोग अपने अपने हिसाब से डालेंगे, मेरे चक्कर में नहीं रहेंगे, वरना आपकी बिरयानी हो जाएगी ख़राब। तो ये अपने स्वाद के अनुसार मैं डाल रहा हूँ, तो आप भी अपने स्वाद के अनुसार ही डालें सारे चीज़। तो गाइस नमक आ चुकी है, अब इसमें हम नमक डालेंगे। ये रही नमक, नमक डाल देता हूँ इसमें के अंदर में। याद रहे गाइस नमक ज़्यादा ना डालें, क्योंकि चावल में भी नमक जाएगी, और अभी जो मसाला फ्राई होगी, जो भुनी जाएगी मसाला सॉरी मटन, उसमें भी नमक डाली जाएगी, इसलिए थोड़ा हल्का ही नमक डालें। 4 kg चिकन सॉरी मटन है। अब इसको करना क्या है आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, सबर करें, सबर बड़ा चीज़ है। ये बिरयानी मसाला मैंने अभी रखे हुआ है, मैंने रखा है अभी, क्योंकि इसे बिरयानी जब बन जाएगी तब उसमें डालूंगा, आगे चल करके दिखाऊंगा आपको।
कवर करें उसमें भी। अब जो है मेन काम जो है वो क्या है, वो इसे कर देना है मिक्स, ये इस तरह से, ये अच्छी तरह से बिल्कुल जो है इसे आप मिला देंगे। बिल्कुल बढ़िया तरह से तो गाइस ये अच्छी तरह से मिला दिया गया है। इसे मैंने पूरी बेहतरीन से जो है मैंने इसे मिला दिया। अब क्या करना है, अब इसे मैं करता हूँ बंद और इसे कम से कम 4 घंटे के लिए मैं जो है मैरिनेट करूँगा, छोड़ दूँगा इसे। इसे करता हूँ साइड में और इन सब का जो मेन है लीडर, लीडर महामंत्री बोले आप उसे, जो है वह है आलू महाराज। हमारे आलू महाराज को इधर लाया जाए, ये देख सकते हैं ये हमारे आलू महाराज है। अब इसे जो है हाफ हाफ कट किया हुआ था मैंने, फिर भी ये काफ़ी बड़ा है। अब मैं इसे थोड़ी छोटी करता हूँ। तो ये रहा महामंत्री जी, आपको मैं काटने जा रहा हूँ ये हाफ, उसके बाद ये हाफ, इस तरह से मैं काट दूंगा आलू को। ये एक आलू जो है महामंत्री जी है 4 भाग में कट रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसी तरह से सारे आलूओं को मैं जो है 4 भाग में काट दूंगा। तो गाइस महामंत्री जी को मैंने काट दिया है, बिरयानी के महामंत्री, इसे मैंने काट दिया है इस तरह से। अब जो है इसे इस वाले बर्तन में जो है निकाल देता हूँ, क्योंकि इसे फ्राई करना पड़ेगा। मंत्री जी फ्राई होने के लिए तैयार हो जाए, आपको मैं फ्राई करूँगा। ये बच्चे खुद ही काम कर रहे थे। चले चले डाले 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 आराम से डाले, गिराना नहीं है बच्चों। आराम से ठीक है। ये मैंने इसे डाल दिया यहाँ पे अलग से बर्तन में। अब इसको भी मैं करूँगा साइड, क्योंकि ये फ्राई होगी उसके बाद ये बिरयानी में डलाएगी। ये हो गया गाइस, अब चलिए बिरयानी बनाने की शुरुआत करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा गाइस, अब एक बाल्टी ले लूँगा, बाल्टी में डालूँगा चावल। तो सादिक इस बाल्टी में ये चावल जो है डाल दो, वेरी गुड, डालते जाओ। और चावल को मैं जो हूँ उसे धो लूँगा, अच्छी तरह से धो लूँगा। चलो पानी डालो उसमें, अब बेहतरीन से जो चावल जो है उसे धो दो। गुड 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 गुड, तो गाइस देख सकते हैं चावल को मैंने अच्छी तरह से जो है धो लिया और उसे फूलने के लिए भिगो के जो है रख दे रहा हूँ पानी के अंदर डाल करके, ताकि ये जो है अच्छी तरह से जो है भीग सके और क्या बोलते हैं उसको, गीला हो सके हल्का फुल्का जो भी है। तो इसे मैं करता हूँ साइड में, ये इसे यहाँ रख देता हूँ और इसे ढक देता हूँ इस वाले बर्तन से। ये हो गया गाइस, अब चलिए चूल्हा जलाने की तैयारी करता हूँ और चूल्हा जला करके फिर बिरयानी को बनाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं चूल्हा तैयार कर दिया गया है, उसके अंदर में लकड़ियाँ डाल दी गई है और ऑयल जो है वो भी डाल दिया गया है। और साथ ही साथ आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, देखे शाम भी हो चुकी है और लोग बिरयानी
बनाने के लिए भी आ गए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। अब जो है चूल्हा में लगाता हूँ आग, तो देख सकते हैं गाइस चूल्हा जल चुका है, आग लग गई है इसमें। अब जो है इसके ऊपर में मैं डालने जा रहा हूँ पतीला, ताकि वो गर्म हो सके। ये मैंने इसमें डाल दिया पतीला, अब ये जो है धीरे धीरे गर्म होगी, इसे गर्म होने देता हूँ। अब गाइस हम इसमें डालने वाले हैं तेल, पूरा का पूरा तेल जो है इसमें हम डाल देंगे। अब तेल को जो है गाइस गरम होने देते हैं। तो गाइस तेल गरम हो चुकी है, अब इसके अंदर जो है प्याज को डाल देता हूँ। अब इसे जो है प्याज को चलाऊंगा गाइस, धुआं बहुत ज्यादा हो रही है गाइस, आंख में लग रही है। प्याज को तब तक भूनना है दोस्तों जब तक वो ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बिरयानी बनाने वाले भाई भी लगे हुए हैं, मोहम्मद असद। ये प्याज को इसे जिम्मा दिया गया है कि प्याज को ब्राउन करे, और एक भाई जो है आग लगाने में लगे हुए हैं चूल्हा में, और कुछ बच्चे जो है यहाँ पे बिरयानी के लिए सलाद की तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हैं कटिंग चल रहा है यहाँ पे। और हमारी बच्चियाँ जो है यहाँ पर है बिरयानी खाने के लिए, ये लोग तैयार हैं। और ये भी देख सकते हैं गाइस, ये भी इन लोगों ने तैयारी करके रखी हुई है, ये गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़। और आधे बच्चे जो है आपको दिखाता हूँ, धुआं देख सकते कितना है, ये देखिए ये लोग मेहमान हैं, ये क्या खाने आए हो, बिरयानी। तो यहाँ पे बच्चे लोग देख सकते हैं, अब धुआं चेक करेगा, धुआं चलिए यहाँ पे हम प्याज लाल करते हैं, बिरयानी बनाते हैं। अब क्या करता हूँ कि इस पतीले को नीचे उतार देता हूँ, ये देखिए आग, और लाओ तुम लाओ, किसको नहीं आ रहा, लाओ। प्याज को निकाल देता हूँ यहाँ से, ब्राउन हो चुकी है प्याज। अब फिर से इस पतीले को आग में चढ़ा देता हूँ गाइस, ये आ गई आग में। अब इस पे मैं करूँगा आलू को फ्राई। तो आलू महाराज मेरे सामने तशरीफ लाए ताकि मैं आपको फ्राई कर सकूँ। महाराज आलू आ जाए, ये देख सकते हैं गाइस आलू महाराज यहाँ पे आ चुका है। अब इसे डालता हूँ इस पतीले में, अब आलू को कर लेता हूँ फ्राई। तो गाइस आलू फ्राई हो चुकी है, इसे उतार देता हूँ चूल्हा से नीचे और इसे रखता हूँ यहाँ पे। हाँ ये आ गया गाइस यहाँ पे, आलू को इसी में भी रहने देता हूँ। और करता क्या हूँ, ये जो मटन है मटन को चढ़ा देता हूँ यहाँ पे चूल्हे में, और इधर जो है आलू को निकाल लेता हूँ।
आलू को निकालो बेटा। अब जो फ्राई वाला तेल था गाइस उसे डालूंगा इसके अंदर मटन के अंदर। लो फिर से तो गाइस इसमें फिर से जो है तेल है वो भी डाल देता हूँ यहाँ से। अच्छे से मिला दूंगा, मैं डालूंगा पानी। डालती जाओ। धुआं काफी ज्यादा तेज है दोस्तों, धुआं परेशान कर रही है। इसमें थोड़ा पानी और डालूंगा ताकि ये अच्छी तरह से जो है मटन जो है पक जाए। चलो तो पानी डालूंगा। कुछ तो उसका इलाज किए देखा उसका। देखो बड़ा मेरी ये डला गया दोस्तों पानी इसके अंदर में। अब जो है इसे बंद करके पकने के लिए छोड़ देता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस मटन जो है पूरा पानी में जो है पकाई जा रही है और बहुत अच्छा जो है मटन पकेगी इंशाल्लाह। चलिए इसे पकने देता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ गाइस और इसे पकने देता हूँ मटन को। अब जो है गाइस इसमें जो मैंने प्याज फ्राई किया था वो प्याज डालने का समय आ गया है। अब इसमें डालता हूँ प्याज और ये जो प्याज है इसमें डाल देता हूँ। ये थोड़ा प्याज जो है गाइस अभी रखूंगा, बाद में इसे डालूंगा, आपको बताऊंगा बाद में उस प्याज को क्या करना है। और इसे मैं जो है अब चला देता हूँ। इस तरह से इसे आपको कुछ वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि धुआं काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लकड़ी से बना रहा हूँ गाइस, फुल देसी तरीका। ये अच्छे तरह से इसे जो है मिला देना है और उसके बाद फिर से इसे बंद कर दूंगा। ये हो गया बंद। अब गाइस इसमें डाल देता हूँ आलू, सारे के सारे आलू जो है मीट के अंदर चले जाएं। वेरी गुड। अब आप लोग जो है पके वहाँ पे अच्छी तरह से। अब इसे जो है मैं चलाता हूँ। ये अब फिर इसे बंद कर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मटन बन कर बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही जबरदस्त बना। आपको दिखाता हूँ अभी। ओय होय 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 देख सकते हैं गाइस किस तरह से जो है मटन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। आलू भी जो है एकदम पूरा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बाद में बोलूंगा। तो अब इसे उतारता हूँ गाइस और उतार करके नीचे रखता हूँ।
लाए कपड़ा लाओ कपड़ा उतार दिए इधर आ गए ना ये उतार के मैंने रख दिया गाइस यहाँ पे। अब जो है इसके ऊपर में दूसरी वाली पतीले जो है उसमें रख देता हूँ मैं पतीला बड़ा वाला और उसके बाद क्या है इसमें डाल दूंगा पानी। इसमें ऑलरेडी तेल मैंने पहले से डाल चुका है घी। अब जो है इसके अंदर मैं पानी डालूंगा। ये गया इसके अंदर जा रहा है पानी। अब इसमें मैंने डाल दिया है पानी। अब क्या इसमें करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें डाल रहा हूँ गाइस इलायची और दालचीनी। इसमें डाल दिया गाइस हमने गरम मसाला वगैरह। अब इसके अंदर में जो है नींबू निचोड़ूंगा। ये दो नींबू लिया है मैंने, दोनों नींबू इसके अंदर में निचोड़ दूंगा। अब क्यों निचोड़ रहा मुझे तो नहीं मालूम पर अच्छा लगता है मुझे। तो गाइस अब इसमें डालूंगा नमक अपने स्वाद के अनुसार। जितना जिसको नमक खाने की ज़रूरत है वो उतना ही डाले और इसे कर दूंगा बंद। तो गाइस देख सकते हैं पानी जो है उबाल मार चुकी है। आपको दिखाई कहाँ से देता होगा घुमा से, फिर भी आप समझ लो उबाल मार चुकी है क्योंकि मैं देख रहा हूँ। अब इसके अंदर डालता हूँ चावल। ये आया चावल। अब इसमें हल धीरे धीरे करके जो है चावल डालूंगा ताकि पानी ना पड़े किसी को। इस तरह से चावल डाल देना है गाइस। बोतल में नहीं ना भरना है नहीं, ताकि पानी जो है हाथ में लगे ना। अब जो है गाइस इसे चला देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद इसे ढक दूंगा। अब इसे जो है मैं करता हूँ बंद। ये हो गई। आप इसे चावल को पकने देता हूँ भाई। याद रखे गाइस 75% चावल पकनी चाहिए, बाकी की जो 25% है वो दम में पकाई जाएगी, इसलिए अभी इसे पकने देता हूँ। तो गाइस चावल देख सकते हैं हो चुकी है, यहाँ पे चावल गल चुकी है। अब जो है इसे सारे पानी को निकाल देता हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से गाइस। चावल हो चुकी है गाइस। अब जो है इसे उतारता हूँ चूल्हे से नीचे। चलो अल्तमा पकड़ो थोड़ा सा शादी। उतार देता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ। अब जो है इसे गारूंगा, पानी को निकाल दूंगा बाहर क्योंकि पानी निकालना ज़रूरी है। तो गाइस इसे इस तरह से कपड़ा यहाँ पर पहना देता हूँ और इसे यहाँ पे इस तरह से पकड़ दिया और इसे रखता हूँ यहाँ पर। तो बेटा पड़ेगा इस तरह से गाइस जो है पानी को निकाल देना है। चलिए अभी वीडियो को रखता हूँ, पानी निकाल लूँ उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगा। देख सकते हैं गाइस चावल कितने मज़े का बना है, एकदम पूरा अलग अलग दाना है। अब इसे जो है चावल को निकालूंगा इस कपड़े के अंदर। चावल को जो है यहाँ पे निकाल लेता हूँ। चावल और मटन की जो है अभी हम यहाँ पे शादी करवा देंगे, मैरिज करवा देंगे उन लोगों का।
अब ये गाइस मैंने दूध ले लिया है, दूध को डालूंगा इसके अंदर। ये गया दूध इसके अंदर। अब इसमें डालूंगा रंग कलर, ये मैंने इसमें डाल दिया कलर। अब इसे करूंगा मैं मिक्स, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूंगा। तो गाइस ये हो गया है पूरी अच्छी तरह से मिक्स। अब इसे यहीं पे रखता हूँ और ये मैं करता हूँ यहाँ मटन। तो गाइस अब मैं डालूंगा इस चावल और मटन की जो है मैं मैरिज करवा देता हूँ। ये डालूंगा यहाँ इस तरह से, ये इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना है गाइस। आपको एक स्टेप दिखा देता हूँ उसके बाद फिर मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ये जो है ये हो गया गाइस। अब इसमें मैं डालूंगा जो दूध और कलर का जो मिश्रण बनाया था वो इस तरह से। ताकि कलर आ सके। अब इसमें मैं डालूंगा बिरयानी मसाला। ये इसका पहला स्टेप था गाइस। अब फिर मैं इसमें डालूंगा चावल इस तरह से। फिर इसको ऊपर मैं डालूंगा, ये थोड़ी सी मैंने काजू ले ली थी, वो किशमिश भी होगा ना तुम्हें। तो डालूंगा इसमें किशमिश। फिर उसी तरह जो है मटन को फिर मैं डालूंगा और जिस तरह से पहले किया था फिर उसी तरह से करूंगा। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, तब तक आपको रोकता हूँ। ये गाइस आपको मैंने कर दिया कम। अब इसके ऊपर में जो है मैं डालूंगा वो, ये अब 10 मिनट के लिए जो है गाइस अब इसे जो है मैं दम में लगा दूंगा और छोड़ दूंगा। ये दम में जब तक रहता है गाइस, ये रायता बना लूं और सलाद बना लूं। आपको दिखाता हूँ रायता बना करके। अब गाइस मैंने एक बाल्टी में पानी ले लिया है, अब उसमें डालूंगा दही। इसी तरह से सारी दही को मैं डाल दूंगा। अब गाइस इसमें डालूंगा चाट का मसाला, उसके बाद इसमें डालूंगा नमक। नमक डालो बेटा, ये नमक और दो बस करो, हो गया। अब इसे मैं मिला दूंगा। अब ये चम्मच की मदद से जो है मैं इसे अच्छी तरह से मिला दूंगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सलाद भी जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें नींबू और नमक निचोड़ करके जो है बिरयानी के साथ उसे खा जाना है। लाइफ चोरी हो रहा, देखने वाला बिंदु। तो गाइस अब बिरयानी को उतार देता हूँ नीचे, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया। और हटाता हूँ, कपड़ा खोलिए ना अपने।
अरे होगा नया ओरिजिन किसका था पेटीएम आपको लेके मत जाना देख सकते हैं गाइस बिरयानी कितने मजे का बना है आपको दिखाता हूँ पास करके ये देखें हाय हाय अब जो है इसे मिलाता हूँ ये देखें ये चेक करेंगे तो गाइस बच्चे भी बैठ गए हैं खाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे तो गाइस देख सकते हैं बच्चे बिरयानी के इंतजार में बैठे हुए यहाँ पे ये अब बिरयानी निकाली जा रही है और इन लोगों को परोसा जाएगा ये यहाँ पे देख सकते हैं गाइस बिरयानी निकाल रहे हैं हमारे भाई लोग ये वाले से निकाल देना और बच्चों को दिया जाएगा बिरयानी यहाँ बच्चे बिरयानी खा रहे हैं गाइस देख सकते हैं आप अब बच्चों से पूछता हूँ कि बिरयानी बनी कैसे टेस्टी है रायता दो गिलास में सबको डाल के गिलास यहाँ पे गिलास में डाल के रायता दो और बाकी लोग यहाँ पे खड़े हैं बिरयानी खाने के लिए कैसा लगा बिरयानी कैसा लगा सादिया बिरयानी तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी तब तक के लिए दिए मुझे इजाज़त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करें ये देखें यहाँ पे चोरी चल रही है सलाद किसी को नहीं दियो सलाद तो सबको तुमको भी दे सबको सलाद दो मांगे आधा तो ज्यादा मत